अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बट हमारे घर में जो मम्मी है उनको आईफ्लू हो गया है, तो बहन के घर रह के आई थी तो उनके यहाँ पर सबको हो रहा था तो इनको भेज दिया, लेकिन इनको इन्फेक्शन हो चुका है तो हम लोग भी बचाव करेंगे उतना ताकि फैले ना ही। और आई ड्रॉप डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो आई ड्रॉप डालना पड़ता है। और बाकी घर में माहौल थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, बताऊँगी आपको, दिखाऊँगी, बने रहिए ब्लॉग पे। सब अच्छा है। और मैं ये बेडशीट बदलने जा रही हूँ, गंदी हो गई काफ़ी, तो ये कपड़े भी निकाले थे वीडियो बनाने के लिए, रखूँगी उठा के। ये बेडशीट बिछानी है मुझे, चेंज करने जा रही हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग पे। और घर में कुछ कलेश सा चल रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं, बने रहिए आज के ब्लॉग पे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो वॉच करिएगा। तो नाश्ता करने जा रहे हैं, 1 बज चुके हैं, अभी मेरा नाश्ता हो रहा है इतना लेट, जब बहुत देर से मैं किचन में थी, पराठे वराठे बना रही थी। और अभी मुझे कपड़े भी लगा रखे हैं, वो भी धोने हैं और बर्तन भी धोने हैं, मेरे बहुत सारे बर्तन भी पड़े हैं। बने रहिए आज के ब्लॉग में और देखते रहिए। ये मैं चाय पराठा खा रही हूँ, पराठा बनाया मैंने और ये खाने जा रही हूँ। मैं बच्चे को दिया है मैंने रोटी और दही, दही उसमें पानी मिला के थोड़ा पकड़ना पड़ता है, मैं उसको मैच करके रोटी को खा रहा है बच्चा, और पिंटू भी खा रहा है अपना खाना है। ये साफ कर चुका है, ये पेडिग्री भी खाता है, खा लिया, खा चुका है। और फ्रिज का ठंडा पानी आ रख दिया इसमें मैंने इनके लिए, और ये बर्तन धो रही हूँ, नीडल क्लीन कर दिया सारा हमने, बर्तन सूखने को रखे हैं, बाकी सारा काम हो चुका है। मम्मी की आँख में फ्लू हो रहा है, आई फ्लू हो गया इनको, और फीवर भी हो रहा है। तो क्या हो गया तुम्हारी आँख में, आई फ्लू, आई फ्लू हो रहा है? दिखाना आँख उसमें, देखो स्वेलिंग आई हुई और रेड हो रही है, आई फ्लू हो रहा है इनको, और हल्का फीवर भी है, शायद फीवर भी हो रहा है। तो अभी ये दवाई लेके आई हैं, आई ड्रॉप वगैरह तो भी डाली है, अभी देखो कितने दिन में ठीक होगा, 2-3 दिन लगते हैं ठीक होने में। तो सारी डस्टिंग करनी है ऊपर सारी जगह मुझे, ये सब डस्टिंग करनी है, डस्टिंग करने जा रही हूँ मेरा कपड़ा, और डस्टिंग का काम शुरू कर रही हूँ, सब हटाऊँगी यहाँ से और डस्टिंग का काम करूँगी। डस्टिंग झाड़ू पोछा तो हो चुका है, डस्टिंग भी नहीं कर पाती हूँ मैं, तो कर रही हूँ अभी मैं, एक काम वाली तो करती नहीं, मुझे ही करना पड़ता है, बाकी तो सारा काम हुआ है। तो सारी डस्टिंग वगैरह सब कर चुकी हूँ, सारा नीट एंड क्लीन सब कर दिया है। केशी रिलेटिव है, रिलेटिव ही केशी, और ये पिंटू लेटा हुआ है, और ये एसी चल रहा है इसीलिए पंखा भी चल रहा है, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा है इसलिए आराम मिल रहा है, यहाँ सो रहे हैं। तो दोस्तों मैं भी काम वाम करके लेती हूँ, और अभी दिल कर रहा नहा लूँ, तो अभी 2 मगे पानी डालूँगी, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, और काम वाम सब हो चुका है। बाकी ब्लॉग में बने रहिए, सारा दिन क्या होता है क्या नहीं आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं अपना सेटअप लगा लिया है, वही जो है रोज का रूटीन,
रोज़ तो नहीं, एक दो दिन छोड़ के बनाती हूँ, तो कल नहीं बनाई आज बना रही हूँ, मुझे वीडियो बनानी है। तो ये मेरा पैशन है और मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है दिली, तो बनाना चाहिए, आपको भी बनाना चाहिए, आज भी बनाइए। चलिए ये देखिए रिंग लाइट, ये सब लगा लिया है, बस कोई एक्ट ढूंढूंगी अभी उस पर रील्स पे, वही एक्ट करूँगी मैं, आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी है। तो वो रात के डिनर में बनाया था चिकन विंग्स, मम्मी ने खा लिया, खाना खा चुकी हैं, और ये दोनों भिखारी बैठे हैं, इनको दे रही हैं, ये एक भिखारी नंबर वन, ये भिखारी नंबर टू, और इनको चाहिए खाने को कुछ ना कुछ। सही बनी है, है? कैसी बनी है?